मुंबई की जो स्लैंग हम आपको सिखाने वाले थे उसमें से रिमटा के एक वर्ड है। क्या रिमटा के? ये क्या है? ये जल्दी रिमटा के आ जाए या रिमटा के पहुंच जा कहीं पे। ये मैं पहली बार सुन रही हूँ रिमटा के, तो अभी जल्दी रिमटा के कैफे पहुंचा दो। आपने देखी फिल्म इनकी? कौन सा पिक्चर देखी? अरे देखे Yeah, no. So sweet. That made my day. I want to be real. I think I cannot keep a pretentious front. And ho sakta hai kabhi galti se aap kuch bol do. Haan. But that's also human error. To agar maine kabhi kisi ko kuch rude bol diya hai, to I'm sorry. Not that main mufa too. Haan. But mere dimag mein jo aata hai, wo usi time nikal jata hai. ओपन सनरूफ। इस बार मैं गाड़ी के बारे में भी सीख के आया। वेलकम बैक टू द बॉम्बे जर्नी रकुल। थैंक यू सो मच। इट्स सो गुड, वेरी गुड। इट्स सो गुड टू बी बैक। लिसन, वी आर ड्रिवन बाय अ टेक्नोलॉजी पार्टनर Hyundai Tucson। परफेक्ट। हाउ आर यू? वेरी गुड। हाउ आर यू बीन? यार सुपर यार, एकदम कूल। आप पहली हो हमारी गेस्ट जो 6 महीने के अंदर दूसरी बार आ गई हो। ओह रियली? यस। तो देखो भाई, बैंड्रा की कहानियां आपने पिछली बार थोड़ी सी बताई थी, तो बैंड्रा से ही चालू कर लेते हैं। बैंड्रा से चालू करते हैं। हाँ, ये तो आपका मतलब ऐसा होड़ है ना? मतलब मैं जब से बैंड्रा में रहना शुरू किया है, आई थिंक वंस यू स्टार्ट लिविंग इन बैंड्रा ना, तो आप बाहर कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि आपको सब है इधर। सब है। एंड फॉर मी, बिकॉज आई लिव अलोन एंड यू नो थिंग्स आर सो कन्वीनियंट, कि अभी जुहू में हो तो अगर आपको ऐसे कहीं जाना है सडनली, तो आपको गाड़ी निकालनी है, फिर खुद ड्राइव करना है। आई एम सेइंग एट ऑड आवर्स आल्सो, अगर आपका ड्राइवर नहीं है, फॉर गॉड सेक, मतलब उस दिन बीमार हो गए हैं, कुछ हो गया। सो इन बैंड्रा आई जस्ट फील इट्स सो कन्वीनियंट बिकॉज एवरीथिंग इज एट 2 minutes, सो आई कैन डू विदाउट हेल्प ऑल्सो वन डे इफ आई डोंट हैव फॉर इट्स द रियलिटी ऑफ अ मुंबई एरिया, यू नो बैंड्रा इज सो कूल, यहाँ सब है। सब है। देखो भाई, आपकी जो ये 5 रिलीजेस है, मैं इनको पहले क्यों बात करना चाहता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखो, क्योंकि आई हर्ड इन अ स्क्रीनिंग, आप रकुल को ले लो, शी इज लाइक आलू, वो कहीं भी फिट हो जाती है। दैट्स सच अ नाइस थिंग। इट्स सच अ गुड कॉम्प्लीमेंट। आई वाज वरीड टू से एवरीबॉडी लव्स आलू। So I mean, it goes in everything. Yeah, yeah. If you're Bengali, then you're like, it goes in our biryani also, it goes in our like... Yeah, aloo ka paratha. Yeah, aloo ki sauce sabziya. साउथ में चले जाओ तो डोसा एंड आलू की सॉस सब्जी, एंड एवरीबॉडी लव्स आलू। करेक्ट। या सो देन आई एम स्वीट पोटैटो। ओ या, यू आर स्वीट एंड यू आर लाइक या एंड हेल्दी आल्सो। वी विल मूव ऑन टू टॉकिंग अबाउट यू प्लेइंग अ कॉप, अ साइंटिस्ट, अ साइंटिस्ट पायलट ओ यू गोइंग इन ऑर्डर। आई एम गोइंग इन ऑर्डर। हां, डॉक्टर, सो साइंटिस्ट, पायलट, डॉक्टर, टीचर एंड कॉप। क्या बात है, ये लाइफ में नहीं किया तो ये फिल्म तो यहाँ पर हो गया। करेक्ट। वाह वाह वाह, एक्टर हो तो इस वजह से, क्योंकि हम लोग भाई सब प्रोफेशन जीवन जी सकते हैं। आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ बीइंग एन एक्टर। यस। आप लोग दो दो आ गए हो मेरे पास, पानी है, पियोगे? वॉलेट पीछे वाली गाड़ी में। हीरोइन की तो नजर उतार, ये लो पानी लो। फिल्म में हीरोइन दिख रहे बेटा। आपने देखी फिल्म इनकी? कौन सा पिक्चर देखी? अरे उसका नाम थिएटर में लगा। कौन सी? अरे वाह, चलो अभी मैं जाएगा, आप लोग शो देखना, ठीक है? निकाल रहे हमको, कैमरा में आ गए, पैसा। ठीक है ठीक है। So sweet. Yeah, no. So sweet. Something only that makes my day. Yeah. That made my day. Correct. तीनों ने देखी हैं, तीनों ने अलग फिल्में देखी हैं और वो साउथ की फिल्में भी देखी हैं। अरे वो काफी, हमारी जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है मुंबई में, बहुत लोग आंध्रा से भी है ना। करेक्ट। नहीं बट कैन आई टेल यू कि साउथ की बहुत देखते हैं। मैं, आई वाज जस्ट ऑन अ हॉलिडे इन मालदीव्स। यस। एंड इट वाज सो फनी दैट द मालदीवियन पीपल हैव सीन साउथ फिल्म्स। रियली? सो एवरी डाइवर देयर व्हेन आई वेंट इन डाइविंग, और जो भी आपके वाटर स्पोर्ट्स वाले लोग होते हैं, द स्टाफ ऑफ द रिजॉर्ट, I had at least 10 people come and tell me names of my South films. Oh, so cool. And it was so cool. And they've seen dubbed versions. Of course, huh? So, it was amazing. Why aren't you leveraging on more Telugu cinema? There's only 360 days in a year and you just said there are five films. Okay. And now in this, where can I squeeze in a sixth? You please tell me. No. Fair, it's fair. It's just been that, you know, it's not a conscious alanti aim ledu. And I love Telugu cinema. Oh. And I always say that na journey akkada nunchi start ayindi. Nenu today, the
person that I am is thanks to Telugu cinema. Yeah, absolutely. So your behavior, your way discipline. Of discipline, your way of understanding films, who I am, what I like, everything is thanks to Telugu cinema. Yeah. And it's just that I will do it when I find something really very kick-ass. Not that I'm not doing, or there are two films in Tamil which will release. Oh, yeah? But it's just, yeah, Indian 2. Oh yes, of yeah, course. Indian 2 and ILAN. So yeah. हैं क्या कोई ऐसी favorites industry wise आपकी मतलब? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं. I love films यार. मुझे कैमरा के सामने रख दो मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ. हाँ क्या? मुझे free बिठा दो तो मुझे समझ नहीं आता क्या करना है. वही तो, वही मेरा एक question था रकुल आपके लिए, क्योंकि मैं भी एक time पे जैसे आप बोल रही थी ना कि आप acting भी कर रही थी और आप पढ़ाई भी कर रही थी in life. मैं भी वो किया हुआ as a child artist. तो जब इतना hectic जीवन हो गया होता है, how are you basically then taking care of your like khali periods? Are you getting paranoid? No. You obviously make, you tell yourself that, you know, our job is such that when you're working, you're working. But yes, my khali period doesn't go beyond a week. Yeah? Yeah. I make sure that it doesn't go beyond a week, because otherwise I do something or the other, and you have to sort of be not delusional ki as an actor, aap, आपकी 9 to 5 जॉब नहीं है जो आप रोज करते हैं और आपको संडे ऑफ मिलता है. आपको संडे भी ऑफ नहीं मिलेगा कभी कभी. सो यू हैव टू जस्ट कीप टॉकिंग टू योरसेल्फ. आई मेडिटेट. आई हैव बिकम मच कामर नाउ. अर्लियर आई यूज्ड टू बी लाइक अरे रेस्टलेस, वे मोर रेस्टलेस व्हेन आई वाज, यू नो, व्हेन आई स्टार्टेड आउट. दैट्स आल्सो बीइंग यंग, नो, इट्स आल्सो यंग, एंड दैट्स आल्सो द फायर दैट यू वांट टू डू अ लॉट मोर. But I think the fire has only gone up. Yeah. You know, yeah. मुझे बहुत कुछ करना है. But now I know that it's not restless energy that I need. It's the drive that I need. Hmm. There's a difference. And like this drive? Yeah. No. So देखो भाई, simple सी बात है कि last time की जो बातें नहीं हुई हैं उनको हम खत्म करते हुए चल रहे हैं. जी. मुंबई slang पे आप you don't abuse a lot, you said ना? नहीं. हाँ तो but फिर भी ऐसे जो मुंबई के words हैं वो आपको peculiar नहीं लगते कोई से? यार मुझे ना ज्यादा मुंबई हिंदी आती नहीं है. हाँ, so, मुझे हिंदी आती है. हाँ, because I didn't grow up in Bombay. Yeah. तो मेरी दिल्ली का थोड़ा बहुत टच हो सकता है हिंदी में, बट आई डिडंट इवन ग्रो अप इन दिल्ली ऑल माय लाइफ. आई थिंक मेरे अंदर भारतीय हिंदी है. बहुत स्पष्ट है यार आपकी हिंदी. हाँ स्पष्ट है, थोड़ी बहुत स्पष्ट है. नहीं नहीं नहीं, मैं करेगा बोलेगा बोलता है. नहीं आप... करेगा बोलेगा नहीं बोलने का. नहीं देखो मैं सिखाने लाया हूँ. मैं ऐसा नहीं कि जो हमको नहीं बोलते मुंबई स्लैंग हम उनको सिखा भी देते हैं. वो हैदराबाद की हिंदी अलग है. हैदराबादी हिंदी तो अलग ही छे मियां. हाँ, क्या बोल रही पुट्टी? उधर आने का फिर खाएगा. एंड आई एम लाइक नो नो नो, दिस इज नॉट हिंदी, दिस इज नॉट हिंदी. आई थिंक लेट्स स्पीक इन तेलुगु. तुम लोग कुछ अलग ही बोल रहे हैं. हम लोग को समझ में आ रहा सब. एग्जैक्टली लाइक दैट. ओ भाई फिर या बोल रही. आई कांट, आई कांट, आई डोंट नो दैट स्लैंग. नहीं जैसे कि वो लोग बोलते मतलब मुझे मालूम है. हाँ, but I can't बोलने को नहीं होता. बोलने को नहीं होता. हाँ, कॉपी करने को होता. हाँ, दिख रहा मेरे को. हाँ, कॉपी करने को होता. बहुत अच्छा दिख रहा. अभी देखो ना ये रिप्रेजेंटेशन भी पैन इंडिया में होने की वजह से इजी हो जाती है ना आपके लिए. अभी आई डोंट नो इजी और डिफिकल्ट. आई एम जस्ट ग्रेटफुल जो है अच्छा है. हाँ. या तो और जो आ रही है वो आपकी छतरी वाली, ये क्या फिल्म है? छतरी वाली इज अ फिल्म वेयर आई प्ले अ क्वालिटी कंट्रोल हेड इन अ कंडम फैक्ट्री. ऑफ कोर्स. एंड इट्स अ स्टोरी ऑफ अ स्मॉल टाउन गर्ल फ्रॉम करनाल. व्हाट डू दीस पीपल डू? लाइक सो व्हाट डू दीस पीपल डू, यू विल नो इन द फिल्म. ओके ठीक. एंड इट्स नॉट जस्ट कंडम, इट्स आल्सो सेक्स एजुकेशन. इट्स आल्सो हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द सोसाइटी टुडे. और ये हम सबके स्कूल में भी होती है, बट वी डोंट टॉक इनफ अबाउट इट. दैट्स ट्रू. आई एम जस्ट गोइंग टू गेट द वेंटिलेटेड सीट्स बिकॉज़ आई एम लिटिल हॉट. एंड आपका तो गरम चालू था. सॉरी, मैं बिल्कुल ठीक हूं. हां जी, तो वी आर आल्सो गोइंग टू वर्ड जुहू नाउ. यस. तो जुहू की कोई कहानियां? Not too much. Prithvi Cafe. Yeah. Actually, जब मैं audition करती थी, I'm talking about 2011 when I shifted to Bombay. Mm-hmm. And you know, पहले 2-3 साल आप जब audition करते हैं, लोगों को मिलते हैं, explore करते हैं, जब आप struggling phase में होते हैं, that time I used to watch plays in Juhu. Yeah. थोड़ा बहुत, not too much, but 4-5 बार. And then you know, Prithvi Cafe was very very nice. तो जब भी अंधेरी में मीटिंग होती थी या मैं बैंड्रा में हूँ या बैंड्रा आना है, सो दैट यूज्ड टू बी अ गुड अफोर्डेबल मिड पॉइंट. या बिकॉज़ दैट टाइम यू आल्सो हैड टू लुक एट अफोर्डेबिलिटी. या या वहां का समोसा और चाय तो नहीं, समोसा चाय नहीं, पर उनका वो सैंडविच वैंडविच बहुत अच्छा था. सैंडविच कॉफी आल्सो इज वेरी वेरी गुड. या शेफाली टोल्ड मी द आयरिश. समोसा तो मैं शुरू से नहीं खाती थी. नहीं खाती थी ना? नहीं, आदत ही नहीं. इतनी हेल्दी तो है ही आप फौजी ना. हां, घर में ही नहीं आया कभी. करेक्ट. आपके पेरेंट्स आपको टीवी नहीं देखने देते थे? नहीं. हाँ, ये तो till I was
till I was 10. Yeah, easily 10 या 4th standard तक तो पक्का. Because also another thing was we were posted in the northeast. तो 4 साल हम northeast में थे from my first standard to 4th standard. वहाँ टीवी वहाँ केबल ही नहीं थी. हाँ क्या? So वहाँ सिर्फ DD1 था. Oh wow. And DD1 पे आप क्या ही देखोगे? तो DD1 पे हमको खाली half an hour allowed था cartoon देखना या कभी कोई movie और वहाँ पे cassette. तो चित्रहार आता होगा. चित्रहार आता था but we used to not watch it. वहाँ पे क्या होता था जो भी मूवी रिलीज हुई है ना उसकी कैसेट्स आती थी आफ्टर 6 मंथ्स. अरे वाह. जब वो रिलीज हो गई हो गया. सो यहाँ फिर एक आर्मी थिएटर था. तो वो आर्मी थिएटर में जब रिलीज होती थी फिर हम लोग जाके देखते थे. सो वी वर ऑलवेज पुट इन सो मेनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड आउटडोर स्पोर्ट्स दैट ऑल्सो एज किड्स वी डिडंट नो. यार उस टाइम ना इतना इन्फ्लुएंस भी नहीं होता था बाहर का. जैसे टुडे किड्स आर वे मोर इन्फ्लुएंस्ड एंड अवेयर अबाउट सो मेनी थिंग्स. Because when you go to school, education is happening on iPad. How do you keep them away from iPads? But at that time, everybody used to play. Yeah. Everybody used to be outdoors. So we were always pushed to be outdoor. Yeah, and you've done also so much outdoor. Like you're a karate blue belt. There is golfing to the national level. Yeah. So much. Yeah, everything. Like I think my parents' favorite hobby was to put us in different sports. Bharatnatyam also you've learned. So basically they, when we were kids, literally I think I was in first standard, we used to skate. ठीक है. फिर मतलब सब कुछ करा दिया. माय मॉम यूज्ड टू से दैट यू शुड बी जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ वन. आई डोंट वांट माय किड्स टू नॉट नो. लाइक यू शुड बी एबल टू गेट अ स्किल एनी टाइम यू वांट. यू नो तो थोड़ा बहुत सब कुछ आना चाहिए. सो एवरीथिंग फ्रॉम स्केटिंग टू हॉर्स राइडिंग टू लॉन टेनिस स्विमिंग बैडमिंटन फुटबॉल क्रिकेट गोल्फ डांसिंग हारमोनियम सिंगिंग. मतलब डांसिंग एंड सिंगिंग तो आई हैड इवन गिवन एग्जाम्स. जो आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो दोनों में मैंने 3-3 साल के वो क्लासिकल डांस और क्लासिकल म्यूजिक सिंगिंग के एग्जाम्स दिए थे. ऑफकोर्स नाउ आई कांट सिंग. नहीं मतलब दैट्स व्हेन आई वाज इन 5th-6th स्टैंडर्ड. सो दे ऑलवेज केप्ट माय रूटीन सो बिजी ना. आई एम टेलिंग यू थैंक गॉड. लाइक रियली ये भी पिक्चर का प्लग इन हो गया बट थैंक गॉड. Because when I became an actor and yeah. Or, and also when I was in my high school and do, you know you said modeling when I was in college. For me it was normal because I've always had a hectic life. From the time I was 5 we used to cycle go to library cycle go to another class. Matlab my parents had kept us on the toes. There was no time to waste. Future safe bachcha paida kar diya aur future safe matlab skill to, set ho gayi to sari. Abhi aisa lagta hai ki log. So, you know, you become a timetable bachpan se. Yeah. So, I just feel that, you know, there's so much you can do in a day any which way. Fair. Because I was always used to doing that thanks to my parents. But because also the future ki baat ko continue rakhte hue, when you're playing a scientist, you're doing something so extraordinarily ahead of its time. Right. Are you also learning about things and do you see anything which you think is ahead of its time in the current world that we live in right now? Ahead of its time? Yeah. I think kids are way ahead of their time. Hai na? I think kids are way ahead of their time. I don't necessarily enjoy that, you know. Yeah. I am still a very old school person. So when I interact with smaller kids or, you know, when on shoot kuch ke bachche ho ya kahin bhi friends kids, I just feel they're so overexposed that the innocence is sort of taken away at such a young age. Yeah. And what I don't like is that the virtual reality, the social media is becoming वो उनकी रियलिटी हो गई है. सही बात है. यू नो ये हम कैसे कंट्रोल करेंगे मुझे नहीं पता बट मुझे ऐसा लगता है कि हम डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं जहाँ लोगों को एक पर्सनल ह्यूमन टच के लिए टाइम नहीं है या ह्यूमन टच आता ही नहीं है. यू नो दे वांट टू फिनिश स्कूल एंड देन अच्छा मेरे कितने यार 10-year ओल्ड किड्स आर डिस्कसिंग देयर लाइक्स ऑन सोशल मीडिया. ट्रू सब्सक्राइबर्स एंड सब्सक्राइबर्स एंड लाइक्स एंड इट्स व्हाट आर द डेज उनको खो खो and you know pittu and these games I don't think khelne mein maza nahi aata kya steppu. I think ye cheeze to unko malum hi nahi hongi. steppu kya digital steppu khel wo stone dal ke jo jump karte hain. ha steppu ho okay ha 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 like ye cheeze unko kahan malum hongi. I can guarantee khokho puch lo aaj ke bachchon ko unko nahi pata hoga khokho kya hota hai. mujhe ek koi bachcha mila tha unka thoda chubby tha to maine bola ki bahar khela karo theek hai to kehta hai main khelta hu na football ipad pe. of course that was the reply. Very genuine and I was so shocked. So that I think is a little ahead of it. Like I think the kids are very ahead of their time. I love the light also that's falling on our faces right now. Oh, beautiful, beauty yeah, light. Yeah, full like twilight. The golden hour.
देखिए क्या है ना, पिछली बार हमारी जो हेल्दी लाइफस्टाइल की बातें थी उसको कमेंट्स में काफी लोगों ने ट्रोल किया। क्यों? क्योंकि स्ट्रीट फूड को गाली देते हो तो लोगों को बहुत। स्ट्रीट फूड को गाली नहीं दी यार। हाँ। अच्छा मतलब मुझे नहीं मैं खा नहीं सकती, अच्छा तो लगता ही है। करेक्ट, सही बात है। मैं अभी स्ट्रीट फूड में मतलब आई मेक चाट एट होम। या यू टोल्ड अस अबाउट दैट। पापड़ी चाट आई मेक आउट ऑफ साबुदाना। ओह नो, नॉट साबुदाना, सॉरी, मखाना। आ नाइस। सो क्रिस्प मखाना इंस्टेड ऑफ पापड़ी। ओके, फेयर इनफ। चटनी तो वैसे ही हेल्दी होगी। चटनी तो हेल्दी है। हां, सॉल्ट भी अच्छी लगती है फिर। ठीक है, सही बात है। मखाना तो यार अभी आजकल पॉपुलराइज है, लोग कई चीजों के साथ कर सकते हो आप। हाँ ना, या कैसे, लेकिन आप हेल्दी लाइफस्टाइल से कैसे स्विच की? क्योंकि मेरी एक अपनी कहानी है, तो मैं हमेशा जानना चाहता हूँ लोगों से कि ऑलवेज यू बीन लाइक दैट ओनली, है ना? आई थिंक बिकॉज़ अगेन इट गोज टू माय फादर, माय पेरेंट्स एक्चुअली, बिकॉज़ there is a lot of discipline that comes in most of the army families. Yeah. You know, yeah. There is a way of life, there is a certain ek code of conduct hota hai ki aap matlab aise khaoge. Hame yaad hai ki you have to eat with your fork and your spoon jab army mess mein jaate hain, you know, so that's your normal. Yeah. You don't know another thing. Ye ghar pe aloo nahi banta tha. You know, aur fried aloo to matlab dad would say ki ye koi sabzi hai. I think the first thing that my parents fed me was karela, tori, like things like Lucky. Which people, हाँ, जो लोगों को अच्छी नहीं लगती उन्होंने first taste buds में वो डाले, so I love everything. Like a broccoli you like? I like. Yeah. I like I love karela. हाँ ना? I love karela. The way my mom makes it, I love it. यार करेला, भरमा करेला, क्या भरमा करेला, exactly. So you know, I just feel कि वो जो एक lifestyle है हम लोग, and I'm telling you, मैं school जाती थी और स्कूल में ना बच्चे ऐसे असेंबली में फेंट हो जा रहे हैं, कोई खा के नहीं आया, धूप होती है दिल्ली में या किसी भी अलग गर्मी वाली जगह पे, एंड हमको कभी अलाउड नहीं था कि आप घर छोड़ सकते हो विदाउट ईटिंग योर ब्रेकफास्ट, एंड वी यूज टू हैव अ किंग साइज ब्रेकफास्ट एट 6 AM, लाइक यू नो वी वुड हैव आवर योर बोल ऑफ म्यूसली और व्हाटएवर, ओट्स एक्सेट्रा, इट्स वन फॉर्म ऑफ दैट, देयर वुड बी सम फ्रूट, देयर वुड बी अ टोस्ट एंड एग, दिस वाज होलसम स्टैंडर्ड, एंड घर का टिफिन, लाइक टिल माय 12th स्टैंडर्ड आई यूज्ड टू कैरी टिफिन, सो कूल, बिकॉज़ आई जस्ट लाइक्ड होम फूड। नाइस यार, सो दिस इज जस्ट बेसिकली अ लाइफस्टाइल दैट यू हैव लिव्ड ऑल योर लाइफ। आई हैव लिव्ड ऑल माय लाइफ, सो फॉर मी इट्स नॉट समथिंग आई एम डूइंग आउट ऑफ बीइंग फोर्स्ड, आई लाइक इट, आई लाइक टू बी हेल्दी। तो ये डिस नहीं कर रही थी पिछली बार, ये अपनी ओपिनियन और अपनी चॉइस बता रही थी, अपनी चॉइस बता रही थी, जिसको खाना है खाइए। हां नहीं, सही बात है, बट मुंबई की जो स्लैंग हम आपको सिखाने वाले थे उसमें से रिमटाके एक वर्ड है। क्या रिमटा के? ये क्या है? ये जल्दी रिमटा के आ जाए, रिमटा के पहुंच जा कहीं पे, ये मैं पहली बार सुन रही हूँ रिमटा के, तो अभी जल्दी रिमटा के कैफे पहुंचा दो। यस दैट्स राइट, सी देखो यूसेज भी आ गई आपके साथ, यूसेज भी आ गई, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की तरह हम लोग बॉम्बे जा रहे हैं। ये हमारी कोलिजन वार्निंग थी, सॉरी गाइस, थैंक यू, there this guy has the best sev puri according to really? me, yeah, this guy over here, I used to eat a lot of sev puri jab main Bombay shift hui thi, ha, ek Kandivali mein sev puri wala tha, yeah, because that time initially 2011 mein 2-3 saal ke liye I lived in Kandivali, so there was sev puri wala, haan ji, to once a week I used to eat that sev puri. Oh wow, yeah. So where in Kandivali were you stationed? Kalpatru. Oh yeah, yeah, ha, Kalpatru aapne bataya, but any more Kandivali stories that you have? Yeah, there used to be that Growell's mall, I used to watch films there. Oh yeah. And the reason I stayed in Kandivali is that overlooking the Kalpatru mall was an army area. The cantonment you told us. Yes. 2-turn 3-turn dikhte the jo. Correct, jo mujhe 2-turn 3-turn dikhte the, mujhe aise familiarity lagti thi because first time I came out of cantonment. Haan. You know? So at least ghar jaisa mahol ho aas paas. Ghar jaisa mahol lagta tha mujhe. Haan. So if you're doing such a healthy lifestyle, how often are you then going out? But I go out. Who yeah. says you can't get healthy things outside? True. You can always choose your options. आप बाहर जाके तंदूरी नान की जगह आप राइस खा लो. Fair enough. मतलब who see the biggest problem and the biggest myth is कि लोगों को लगता है कि carbs आपको मोटा करती हैं. आप बचपन से carbs खा के बड़े हो. Carbs मोटा नहीं करती हैं. Carbs में kind of carbs, जब आप रोटी खाओगे, आप चावल खाओगे, आप मोटे नहीं होगे. आप अगर बड़ा पाव खाओगे और बोलोगे कि वो कार्ब्स हमें मोटा करती है, पिज्जा खाओगे, बर्गर खाओगे और बोलोगे ना दैट इज फास्ट फूड, दैट्स नॉट कार्ब्स, इट्स आल्सो मैदा ना, इट्स मैदा एंड इट्स मैदा विद फ्राइड एंड इट्स कार्ब्स एंड सो इट्स नॉट कार्ब्स, बेचारों का नाम खराब हो गया है, इट्स एनीथिंग व्हिच इज जंक, सो आई डोंट ईट जंक, बट आई गो टू रेस्टोरेंट्स
every third day you will see me in a restaurant. Yeah? I have a group of friends and we love to explore new restaurants. And usme har jagah aapko healthy mil jata. You can always pick your options. Yeah. And I'm a Japanese lover. So. Oh, same, same. Yeah, same. Yeah. So Jap food is generally healthy. It is. It is. Thoda rice hai bas. That's okay. Rice is healthy. Sushi is very healthy. Yum. Very tasty. Yum. Quite nice. I love watermelon. हमारी ज़िंदगी में भी हम लोग को as Indians इतनी आदत नहीं है ना salad valid and palating. But ज़रूरी नहीं salad healthy है. मैंने शुरू में ये बोला आप दाल रोटी सब्जी खाओ ना. मस्त है वो भी. खिचड़ी दाल रोटी सब्जी. हर घर का staple है दाल रोटी सब्जी. I understand something now that I didn't last time. जो हमारे comments में आप लोगों ने हमें बात बताई थी जैसे a lot of people said that एक आज जगहों पर उनको कुछ रूड लगा. आपने एक चीज़ बोली थी जो आई थिंक बहुत परफेक्ट है कि यू सेड यू आर अ मूफट. कहीं ना कहीं मूफट होना या बीइंग ऑन द फेस टू अ लॉट ऑफ पीपल सीम्स लाइक बीइंग रूड. इज़न दैट व्हाट हैपेंस आल्सो. आई डोंट थिंक सो मच या आई वांट टू बी रियल. आई थिंक आई कैन नॉट कीप प्रिटेंशियस फ्रंट. एंड हो सकता है कभी गलती से आप कुछ बोल दो. हाँ बट दैट्स आल्सो ह्यूमन एरर. We are all humans. Yeah. You know, just because you are an actor or just because anybody is an actor, it doesn't take away the fact ki they always have to be correct. Unse bhi galti ho sakti hai. To agar maine kabhi kisi ko kuch rude bol diya hai, to I'm sorry, but I think I don't have a filter. Yeah. In terms of not that main mufat hu, but mere dimag mein jo aata hai wo usi time nikal jata hai. And I don't hold even grudge against anybody. You know, I'm a person. I can tell you ki life mein aisa koi insaan nahi hai jiske against mujhe grudge ho. Okay. Because even if I get angry, it's very momentary. It's 2 seconds anger. Even if I get irritated, it's 2 seconds irritation. It's never anything beyond that. Oh, so you don't hold on to like a lot of things. Nothing. Can I put my phone to charge and take yours out? Yes, please. Oh, super. Me also. So, aap aur aapke boyfriend, and it's been a very vocal relationship, you've been very open and about it. Yeah. But, jab do actor ya actor producers ya creators date karte hain, toh ghar ka mahol kaisa hota hai? So, you know, this is a conversation jo humne bahut consciously bahut pehle kari thi, you know, when we just started meeting, ki we cannot bring back our work. With us, you know, like, I don't discuss work with him. He doesn't discuss. अब वो इतनी फिल्में बना रहा है. It is not right for me to keep asking him or him to keep telling me. हाँ, of course, अगर if there are stress points, then as partners we discuss stress points. You had a tough day at work. लेकिन हाँ यार आज ऐसा हो गया या आज वैसा या ये नहीं हुआ या वो नहीं हुआ. But we consciously decide नहीं तो हम लोग कभी cut off नहीं करेंगे. And I truly believe कि जो हमारा profession है जो see Rakul is not an actor 24/7. Yeah. That is just my profession. True. You know, I love it to death, but it's my profession. And I need to at some point disconnect and be back to the real girl that Rakul is. Yeah. Who's silly, who's like normal, who's silly. You know, how? I'm very silly. With my friends and all, I'm very silly. So, cars and bikes ke baare mein hamari zyada baat nahi hui thi. Are you a car or bike person? I'm a car person. I'm not a bike person. मतलब मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है. आई कैन राइड अ बाइक बट मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है बाइक्स के बारे में. बट आई लव बिग कार्स. लाइक आई एम एन एसयूवी पर्सन. या आई एम अ फुल एसयूवी पर्सन. एंड आई जस्ट फील दैट व्हेन यू हैव अ बिगर कार एंड व्हेन आई लव टू ड्राइव. यस. तो जब मैं ड्राइविंग सीट पे होती हूँ तो मुझे ना मतलब आई लाइक दैट कंट्रोल ऑफ द रोड. यू कैन लाइक लुक एट एवरीथिंग. या द रीजन आई डोंट लाइक सेडान. एंड देन सेडान आर वेरी लो फॉर योर बैक व्हेन यू आर अ टॉल पर्सन. तो आई एम अ फुल एसयूवी पर्सन. Nice. But, मैं गाड़ी में भी आगे बैठती हूँ. ऐसे रोड ट्रिप वगैरह करती हो आप? मैंने रोड ट्रिप किया है. हाँ. अभी नहीं, टाइम ही नहीं मिलता यार. प्लान तो बहुत करते हैं, प्लान तो हर हफ्ते करते हैं. चलो नामलात के ढाबे में जाके खाना खा के आते हैं, बट वो होता ही नहीं है. हाँ. Winters in Mumbai, do you have any memories or do you have any comment? Let me just correct you, there's no winters in Mumbai. Let me just tell you, ठीक है, मुंबई की विंटर्स नहीं होती हैं. हाँ. उसे बोलते हैं प्लेजेंट.
प्लेजेंट सा होता है कुछ। सही बात है। आपने कभी स्वेटर पहने? नहीं। फिर कैसी विंटर? मुझे ये विंटर होती है दिल्ली की, वो तो कुड़कुड़ा देती है, वो तो रजाई रजाई वाली रजाई होती है, कंबल डलता है रजाई के नीचे। उसके नीचे कभी कभी बेड में हीटर भी लगा होता है। I've done that, of course, वो हर दिल्ली के घर में होता है कि आप पहले हीटर से अपने कंबल और रजाई को गर्म करते हो और फिर अंदर घुसते हो। सही बात है यार। और फिर आपको सुबह निकलने का कोई मन नहीं होता? बिल्कुल नहीं। और स्कूल के टाइमिंग्स बिल्कुल चेंज नहीं होते। वो जो 6 बजे अंधेरे में आपकी स्कूल बस आती थी, 6:30 बजे। टॉकिंग अबाउट योर पढ़ाई, यू आर ऑल्सो वन ऑफ द रेयर आर्टिस्ट हू हैव मेट हुज डन मैथ्स। यस डूड, व्हाट द हेल, लाइक हाउ डिड दैट हैपन? आई लव्ड मैथ्स। आई थिंक आई लव्ड नंबर्स दिल से। आई रियली लाइक्ड मैथ्स, आई यूज्ड टू लव नंबर्स, आई लव कैलकुलस, आई लव डिफरेंशिएशन, जो हाई स्कूल में आप पढ़ते हो। तो मुझे लगा कि अच्छे भले मार्क्स आ गए हैं ड्यू के लिए, तो आई एदर वॉन्टेड टू डू इकोनॉमिक्स ऑनर्स और मैथ्स ऑनर्स। फिर मुझे लगा कि यू नो मुझे MBA करनी थी, एक्टिंग वॉज अ प्लान, बट अ फॉल बैक ऑप्शन, बैकअप ऑप्शन वॉज कि MBA करनी है अगर एक्टिंग नहीं चली। और MBA में नहीं, बट आई वॉन्टेड अ बैकअप मोर देन माई पेरेंट्स टोल्ड मी। इट वॉज द अदर वे अराउंड। माई डैड टोल्ड मी इन फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, जब मैंने पहली फिल्म की, कि इफ यू वॉन्ट टू गो कॉरेस्पॉन्डेंस यू कैन। एंड आई सेड नहीं, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज अ पर्सन हु आई डिडंट वॉन्ट टू एनीथिंग सेकंड बेस्ट। आई वॉज ऑलवेज दैट चाइल्ड जिसको क्लास में टॉप 3 में आना है, बेस्ट टॉप, जिसको हर चीज में पार्ट लेना है, उसको डिबेट्स में भी करना है, डेक्लेमेशन में भी करना है, स्पोर्ट्स में भी रहना है, प्रीफेक्ट भी बनना है, मार्क्स भी स्कोर करने हैं। आई वॉज ऑलवेज दैट यू नो वेरी ओवर अचीवर काइंड ऑफ अ चाइल्ड, वॉन्टेड टू बी। वो ड्राइव हमेशा से थी। सो व्हेन डैड सेड, आई सेड यू नो व्हाट इफ आई डोंट एक्सेल, व्हाट इफ आई डोंट नो एनीबडी इन द इंडस्ट्री, एंड व्हाट इफ आई डोंट मेक इट। क्योंकि उस टाइम तो आप वो सोचते हो कि हम ट्राई करेंगे, what if you don't, so at least I should have my education, so I'd given myself 2 years, जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई थी, कि मैं 2 साल ट्राई करूंगी, 2 साल में कुछ क्लिक किया तो ठीक है, नहीं तो आई हैव माई ग्रेजुएशन एंड आई डू माई मास्टर्स। तो दैट वॉज द रीजन आई टुक मैथ्स ऑनर्स, कि मुझे लगा CAT क्लियर करने में ईजी होगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ मैथ बेस्ड क्वेश्चन कम। बट लाइक एनी अदर एस्पिरेशन अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एक्टर, मतलब अगर आप ये कर लेती मैथ्स, मतलब आप यू वुड हैव पर्स्यूड, तो मुझे ब्रांड मैनेजमेंट करनी थी, MBA ब्रांड मैनेजमेंट में, विच वॉज वेरी, दैट टाइम इट वॉज वेरी न्यू, नो बट आई मीन ओनली इन द वेस्ट देयर वर कोर्सेज, इंडिया में नहीं था। अब 2 IIMs में है ब्रांड मैनेजमेंट, but that's basically working behind all the high end brands, so I was always a little fashion inclined. ye kaise hua? Stardust pad ke, I think best hai bro. Stardust, Filmfare, us time ye sab to abhi aaya na, jab bachpan mein to Stardust aur Cineblades aur Filmfare aur newspaper, you were a full magazine baby, was it like रीडर्स डाइजेस्ट भी होती थी और दूसरी भी होती थी, तो दूसरी पहले पढ़ते थे और रीडर्स डाइजेस्ट बाद में। But that's a good thing, yeah. I mean, there's a certain vulnerability that we didn't seemingly see in the last episode that we did with you, which the audiences should now see and go back and read those comments. कैसा लगा आपको दूसरी बार बॉम्बे जर्नी करके? अरे बहुत मस्त लगा, बहुत मस्त, सेम मजे 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 यही। But thank you so much for watching. Thank you. Please let us know your favorite moments and don't forget to subscribe to Mashable India. Mashable India.